जिते सारे उम्मीदवार जितने लिए अड्डी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उतें ही दूजे पास एक वैज्ञानिक एक छोले कुलचे वाला इन्होंने चोलों में अपनी किस्मत आजमा रहा है। यह हैं कीमती लाल जो कि स्कूटर मकैनिक ने अते वार्ड नंबर 50 तो आजाद उम्मीदवार वजो खड़े हुए ने। इन्होंने कहा है कि लोगों के कहने पर ही यह चोण मैदान में उतरे ने अते चोणों का सारा खर्चा मुहल्ले के लोग ही कर रहे हैं। कीमती लाल का कहना है कि वह आम लोगों की समस्या चंगी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने हल भी छेती करेंगे। मैं भी एक आम इंसान हूँ, आम बंदे को जो जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम के खातर मैं इलेक्शन में आगे आया हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि किसी को भी मैं अगर इलेक्शन में जीतता हूँ तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, इलाके का सुधार करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जो मेरे से वो बन पाएगा जैसे लाइट का काम है, पानी का काम है इलाके की, और जो जो समस्या है, मैं नशा भी इलाके में, अगर मैं ये इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं इलाके से नशे नाम की चीज को पूरी तरह जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। उधर कीमती लाल के समर्थकों का कहना है कि जितो तो बाद कोई भी काउंसलर अपनी शक्ल नहीं दिखाता, पर कीमती लाल उन्होंने वर्गे ही आम लोगों चो खड़े हुए ने, इसलिए वो कीमती लाल का समर्थन कर रहे ने। सारे मोहल्ले का ही संयोग है तो बच्चा बहुत अच्छा है, इसलिए इसको इलेक्शन में हमने उतारा कि सारे काम करने के लिए आगे होता है, तो इसलिए हमने इसको खड़ा किया। सारे मोहल्ले वाले मिल के जो पैसे की मदद कर रहे हैं, सब इसका काम हम भी कर रहे हैं, बाद में ये हमारा काम करेगा। आओ हम तुम्हानू मिलवाने हैं पंडित रविंदर कुमार नाल जो कि छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं अते वार्ड नंबर 31 तो आजाद उम्मीदवार जो नगर निगम चोना लड़ रहे हैं। रविंदर कुमार का कहना है कि आम लोगों के कहने पर ही वह नगर निगम चोना लड़ रहे हैं, जेकर वह चोना में जित दर्ज करते हैं तो लोगों के बीच रह के ही उनकी समस्याओं का हल करेंगे। हमारे यहाँ काम कोई नहीं, वो कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिसका इलाका है उस तरफ उन्होंने चारों तरफ उन्होंने काम कर लिया है और बाकी कोई काम नहीं किया है। मैं अगर जी जाता हूँ तो मैं रात और एक दिन एक कर दूंगा सिर्फ विकास के लिए। इस बार तो पब्लिक मेरे साथ जुड़ी है, लेकिन मैं उस पब्लिक को यह कहता हूँ कि अगली बार उनको मौका नहीं मिलेगा किसी के घर जाने का। इस बार लुधियाना में आम लोगों चो ही कुछ व्यक्ति चोन मैदान में उतरे ने, पर देखना यह है कि लोग अपने चो ही किसी व्यक्ति को अपना काउंसलर बनाते हैं या नहीं। लुधियाना तो गौरव वालिया के नाल इंद्रजीत कौर, डीएनआई न्यूज़।